हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज आपको सिखाते हैं फ्रूट्स का डिशेस बनाना, जिसमें अनार दो, आम दो, आड़ू लिए हैं और इन्हें इस तरह पिल कर लिया। अब इसके पीसेस बना लिए थोड़े से सर्व करने के लिए, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ जो आम लिया है उसका मैंने गुदा अलग कर दिया है, ये देखिए बारीक कटे हुए हैं और आम की गुठली की पूरी नसें दिख जानी चाहिए इस तरह से। जितना भी मोटापन है सब उतार दीजिए और इस तरह से इसे बिल्कुल, यहाँ मैंने पीस ली थी चीनी। अब मैं इसमें बनाऊंगी मैंगो का पल्प। ये देखिए जो आम के टुकड़े हमने किए हैं इसको हम ग्लेंडर में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंगो पल्प तैयार है, इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है हमारा। और यहाँ ले लिया मैंने एक बर्तन में दूध जो बिल्कुल चिल्ड है, इसमें मैं ये मैंगो पल्प डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। ये हमने सारा डाल दिया, अब इसको हम करते हैं मिक्स। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट आपको बारीक बारीक कटे हुए डालने हैं, मैंने भी काटे हैं, अभी आगे आपको उसका यूज़ बता दूँगी इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ अनार के दाने, थोड़े से मैंने इसमें आड़ू के पीस के ये टुकड़े बारीक बारीक, मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ अब इसके बीच में हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आइस क्यूब डाल देंगे। और अब हम एक बर्तन में करते हैं इसकी अगली तैयारी। यहाँ मैंने एक बर्तन में एक चमचे से भी बहुत कम घी लिया है और उसके अंदर डाल दूँगी मैं सेमिए, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। ये डाल दी, ये देखिए बहुत थोड़ी सी डाली हैं और इनको हम फ्राई करेंगे, ये देखिए इस तरह से। जब ये भुन जाए इसमें हम डालेंगे एक गिलास दूध का, डाल दिया मैंने, उसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की है। और ये मैं अब इसमें मिक्स कर दूंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आइए अब इसे हम सर्व करते हैं। यहाँ देखिए मैंने ले लिए दो कांच के गिलास और इसमें डाल दिए कुछ अनार के दाने और इसमें जो मैंगो के पीस हमने काटे थे वो डालेंगे। यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे इन्हें, अगर चॉकलेट सिरप है तो डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने डाल दिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, आइस क्यूब और अब ऊपर से गार्निश करूँगी अनार के दानों से और कुछ ड्राई फ्रूट से। ये देखिए यहाँ पे मैंगो के टुकड़े भी डालने हैं थोड़े से, और अगर आपके पास थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर हो तो वो भी डालिए। ये देखिए उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये ड्राई फ्रूट से हमने इसे डेकोरेट किया है। अब डालती हूँ मैं इस पर चोको पाउडर जो बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।